आईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की है। उन्होंने एक हैं तो सेफ है नारे की तर्ज पर मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश की है। देखिए, योगी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। महाराष्ट्र चुनाव में सांप्रदायिक कार्ड, अकबरुद्दीन ओवैसी का फिर विवादित बयान, एक है तो सेफ है के जरिए ध्रुवीकरण की साजिश। AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र चुनाव में एक बार फिर सांप्रदायिक कार्ड खेला है। मुंबई के मुमरा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक है तो सेफ है के नारे का इस्तेमाल मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए किया है। उन्होंने मुसलमानों के सभी फिरकों और जातियों से अपील की है कि वो एक हो जाएं और AIMIM को वोट दें। कब तक ये कहते रहोगे, देखो कि वो क्या कह रहे हैं। योगी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, किससे कह रहे हैं? मीडिया वालों ने कभी पूछा? एंड मिस्टर योगी आए तो मीडिया वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर उनसे पूछना, कौन बट रहे हैं, कौन बांट रहा है, कौन कट रहे हैं, कौन काट रहा है। अरे आप बताओ, आज नरेंद्र मोदी कहते हैं एक है तो सेफ है, खैर वो सारे समाज से कह रहे हैं, ओबीसी से, वो बैकवर्ड क्लास से, सबसे कह रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई भी इलेक्शन कोड की खिलाफ वर्जी नहीं है। ठीक है भाई, अच्छी बात बोले, एक है तो सेफ है। मैं कह रहा हूं बरेलवी है, देवबंदी है, शिया है, मैमन है, खोजा है, जमात इस्लामी के हो या अहले हदीसी हो या तबलीगी हो, कोई भी हो, एक हो तो सेफ हो। जब वो कह रहे तो कुछ नहीं, मैं कहा तो अब चलाएंगे मीडिया। अरे हमारा तो ये हाल है कि घड़ी उठा के देख ली तो न्यूज बन गई। ओवैसी के इस बयान का जवाब बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिया। उन्होंने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी की पहचान भारतीयता की नहीं है और उनकी नसों में रजाकारों का खून है। भाटिया ने कहा कि वो यहाँ के नागरिकों को अपना नहीं मानते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी वही है ना जिन्होंने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हिंदुओं को मजा चखा देंगे, और अभी कुछ दिन पहले उनको फिर से 15 मिनट की याद आ गई थी। तो उनको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अच्छा ये होता, विधायक भी है, संविधान की शपथ ली है, एक भारतीय होने के नाते उन्होंने कहा होता कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। वो जो भारतीयता की पहचान है वो ना असदुद्दीन ओवैसी में है और ना अकबरुद्दीन ओवैसी में है, और ये इसलिए है कि उनकी रगों में रजाकारों का खून है। तो वो भारत की माटी से, भारत की मिट्टी से, यहां की संस्कृति से, यहां के नागरिकों को अपना नहीं मानते हैं। और इतना जरूर कहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी अगर दहाड़ देंगे ना तो 15 मिनट की बात करने वाले 15 सेकंड में भाग जाएंगे, और उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है ये हम सबको पता है। उनका ज्यादा जिक्र करके उनका कद नहीं बढ़ाना है, क्योंकि उनकी सोच को हमें मिट्टी में मिलाना है। बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है इन नारों का इस्तेमाल AIMIM और बीजेपी अपने अपने वोटों को एकजुट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नारों से क्या देश और समाज एक होगा, ये बड़ा सवाल है। लोगों को ये सोच समझकर ही अपना वोट डालना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार